वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सो एज़ वी नो दैट वी हैव लर्नड अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी हैव लर्नड अबाउट फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो एवरी वन फोकस ऑन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1964 टू अप टू 1971। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन फुल फॉर्म ऑफ आईसी इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। दीज आई सीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी टिनी इंटीग्रेटेड सर्किट मेड अप ऑफ सिलिकॉन चिप। कह रहे हैं कि ये जो आई सीज होते हैं बहुत हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी टिनी इंटीग्रेटेड सर्किट। टिनी माने क्या होता है? स्मॉल होता है। सिनोनिम्स ऑफ टिनी इज स्मॉल। सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी टिनी इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटे जो आई सी होते हैं वो मोर नंबर ऑफ आई सी का कम्बिनेशन होता है क्या? सिलिकॉन चिप, मेड अप ऑफ सिलिकॉन चिप, जो कि सिलिकॉन चिप से बने होते हैं ये छोटे छोटे आई सी। फोर्थ जनरेशन, नाउ आई हैव टू स्टार्ट दैट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन दैट इज स्टार्ट 1971 टू प्रेजेंट। द टेक्नोलॉजी ऑफ आई सी, द टेक्नोलॉजी ऑफ आई सी इज नोन एज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ एस एस आई इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। नाउ वी एल एस आई इज बींग डेवलप्ड विच विल हैव मोर देन ए मिलियन कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड ऑन ए सर्किट। सो वी मस्ट नो अबाउट वी एल एस आई। वी एल एस आई इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इज बींग डेवलप्ड विच विल हैव मोर देन ए मिलियन कंपोनेंट इंटीग्रेटेड ऑन सर्किट। नाउ गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर के क्या क्या लैंग्वेज हैं? ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज वेदर दे आर मशीन्स और ह्यूमन बींग्स ऑलवेज नीड ए कॉमन लैंग्वेज। ओके, ए कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सम इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स। थ्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल। दे आर फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। सो वी विल स्टडी फर्दर दिस। ओके, सो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक साइन सिंबल एंड सिंटेक्स। नोट दैट ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट आर प्रोवाइडेड बाई वुमन्स। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पर बैठ के हम कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी राइट करते हैं तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। वो देखते हैं क्या होता है। इट ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज जीरो एंड वन। द सिस्टम ऑफ दीज टू नंबर इज कॉल्ड द बाइनरी सिस्टम एंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी नंबर इज नोन एज द मशीन लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? जीरो और वन। और द सिस्टम ऑफ दीज टू नंबर इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। अगर कोई पूछता है बाइनरी सिस्टम क्या होता है तो क्या बताओगे आप? जीरो और वन। ओके, मशीन लैंग्वेज इज सेट टू बी द लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन। और इस मशीन लैंग्वेज जो जीरो वन जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है यह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन वेयर नीडेड टू बी फेड इन दिस लैंग्वेज। इट वॉज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क एंड ओनली द प्रोफेशनल वेयर एबल टू डू सो। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक कोबॉल, लोगो, फॉर्ट्रेन, बेसिक, सी एंड सी प्लस प्लस इनेबल द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन दियर ओन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। ओके, देयर फोर दीज लैंग्वेज आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज।
ये जितने भी हैं कोबाल, लोगो, फॉरट्रान, बेसिक, सी एंड सी प्लस प्लस, ये हाई लेवल लैंग्वेज इनको जाना जाता है। देयरफॉर दीज लैंग्वेज आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज आर एबल टू ट्रांसलेट आवर इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये लेवल लैंग्वेज क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो भी कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर, और फिर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ डे इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर सिस्टम। यू डोंट नीड टू बी ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। द विंडोज इन्वायरमेंट मेक द वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर वेरी स्मॉल। देर आर आइकन एंड बटन क्लिकिंग ऑन विच यू कैन स्टार्ट और स्टॉप एप्लीकेशन। इवन इफ यू फॉरगेट हाउ टू हैंडल ए सर्टेन फीचर ऑफ एनी एप्लीकेशन, द कंप्यूटर विल इंस्ट्रक्ट यू हाउ टू मूव अहेड। वी कैन से दैट कंप्यूटर हैव नाउ बिकम यूजर फ्रेंडली। ओके, नाउ आई हैव टू स्टार्ट स्टार्टिंग विद ए प्रोग्राम। ओके, ए कंप्यूटर इज डिजाइन टू वर्क और प्रोसेस द डेटा विच इज फेड इन साइड बाई द यूजर। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर मस्ट बी ऑफ मशीन लैंग्वेज और ए हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हो, कुछ भी कंप्यूटर पर राइट कर रहे हो कमांड के लिए, वो क्या होना चाहिए, या तो मशीन लैंग्वेज या तो हाई लेवल लैंग्वेज में होना चाहिए। ए कंप्यूटर ऑलवेज वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। यू मस्ट ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट दैट द कंप्यूटर इज ए मशीन एंड देयर फोर इट कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन। सो एवरी डिसीजन नीड टू बी टेकन बाई द पर्सन हु इज़ प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक टॉक। यानी जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं वही प्रोग्रामर है, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या टास्क कंप्यूटर को दे रहे हैं। ओके, बिफोर द प्रोग्रामर वर्क अपॉन एनी प्रोग्राम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली प्लान द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड प्रोग्रामर शुड वर्क आउट फॉर वेरी केयरफुली। सो वॉट इज हु इज़ प्रोग्रामर? पीपुल हु आर स्पेशलाइज इन वर्किंग ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामर। लेट अस गो थ्रू द स्टेप इन विच प्रोग्रामर वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड लेक्चर। So I will start from this one, the first step in computer programming to getting the output in next class. Okay, dear student, so thank you, have a nice day.